बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम टॉपिक करेंगे क्रेस्टेबल का, स्टैंजा नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। क्रेस्टेबल एसटी कॉलरेज की पोइम है, ठीक है। इसका कंक्लूजन टू पार्ट वन चल रहा है, उसमें स्टैंजा 39 है, ठीक है। एंड सी द लेडी क्रेस्टेबल गैदर्स हर सेल्फ फ्रॉम आउट हर ट्रांस। और देखो, अब लेडी क्रेस्टेबल जो है वो अपने आप को, वो जो उस पर स्पेल एक कर दिया था गैरेंडाइन ने, उस जादू के सहारे वो निकल रही है। हर लिम्स रिलैक्स, अब उसकी बॉडी रिलैक्स फील हो रही है। एंड हर काउंटिनेंस, काउंटिनेंस कहते हैं फेस को, काउंटिनेंस ग्रोज सैड एंड सॉफ्ट, और उसके चेहरे पे कुछ उदासी और नरमी सी आ गई है। द स्मूथ थिन लिड्स क्लोज्ड ओवर हर आइज एंड टीयर्स शी शेड्स, और उसकी जो आंखें हैं वो अब बंद होती हैं, ठीक है। लिड्स कहते हैं आईलिड्स को, ठीक है, जिस पे लैशेस लगी हुई होती हैं, वो कि वो बंद हो रही हैं। ओवर हर आइज एंड टीयर्स शी शेड्स लार्ज टीयर्स दैट लीव द लैशेज ब्राइट, और वो उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरते हैं जो उसकी पलकों को रोशन कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह वो पानी से आ जाते हैं तो वो चमक जाती हैं। एंड ऑफ्टन द वाइल शी सीम्स टू स्माइल एज इन्फेंट्स एट अ सडन लाइट, और कभी कभार वो मुस्कुरा देती है बिल्कुल एक छोटे से न्यू बॉर्न बेबी की तरह। जिस तरह न्यू बॉर्न बेबी जो है वो रोशनी देख के खुश होता है, लाइट देख के, बिल्कुल ऐसे ही उसके चेहरे पर एक खुशी आती है, मतलब मासूम सी खुशी है। या She doth smile and she doth weep. हाँ, वो हंस भी रही है, हंसती है और कभी रोती है। Like a youthful hermitess, beauteous in a wilderness. Hermitess कहते हैं वो इंसान या उसको जो बिल्कुल, जिस तरह बुद्धा था वो जंगल में चला गया था एक मकसद के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो वो जो hermitess होती है वो एक फीमेल को कहेंगे जो बिल्कुल चली जाए अकेले, तन्हाई में चली जाए, जंगल में चली जाए, वीराने में चली जाए, सिर्फ इबादत के लिए, कि उसने इबादत करनी है और कोई भी फिजिकल कंपेनियनशिप या फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करना उसने किसी के साथ, ठीक है। तो वो एक यूथफुल हर्मिटस की तरह लग रही है, ब्यूटियस इन अ विल्डरनेस, जो किसी वीराने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और किसी वीराने में चली गई हो। हु प्रेइंग ऑलवेज, जो हर वक्त दुआ करती रहती है, प्रे इन स्लीप, और इवन सोते में भी ये लोग दुआ करते हैं। एंड इफ़ शी मूव्स अनक्वाइटली पर चांस, और अगर वो खामोशी से किसी तरह से, अगर इन केस वो मूव कर भी रही है पर चांस किसी तरीके, दिस बट द ब्लड सो फ्री कम्स बैक एंड टिंगल्स इन हर फीट, तो ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसके जो वो ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसकी बॉडी में, और उसकी वजह से उसके पाँव में टिंगलिंग हो रही है, ठीक है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की वजह, जिस तरह नमनेस आ जाती है, ये उस वजह से कह रहे हैं कि वो एक ही पोजीशन में रह रहकर, मतलब और वो बंदा और कुछ नहीं करता, सिर्फ प्रे करता रहता है, तो वो एक ही पोजीशन में बैठ बैठ के या उस पोजीशन में, उस पोस्चर में रहकर उसकी वो नम हो जाते हैं और फिर उसमें टिंगलिंग होती है, ठीक है, उसकी वजह से वो कह रहा है। नो डाउट शी हैड अ विजन स्वीट, ऐसा लग रहा है जिस तरह उसे बहुत खूबसूरत कोई ख्वाब नज़र आ रहा है। व्हाट इफ हर गार्डियन स्पिरिट वेयर, क्या पता उसे जो है वो अपनी गार्डियन स्पिरिट नज़र आ रही हो। व्हाट इफ़ शी न्यू हर मदर नियर, क्या पता उसे अपनी माँ करीब महसूस हो रही हो। बट दिस शी नोज़, लेकिन वो ये जानती है, इन जॉयज एंड वोज, खुशी और गम में, दैट सेंट्स विल एड इफ़ मैन विल कॉल, कि सेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं अगर इंसान उन्हें हेल्प के लिए बुलाता है। फॉर द ब्लू स्काई बेंड्स ओवर ऑल, क्योंकि जो ब्लू स्काई है, जो हेवन है, वो हमें, जो दुनिया है, अर्थ है और क्रिएचर्स हैं, इनको लुक आफ्टर कर रही है, इनको देख रही है, ठीक है, सुपरवाइज कर रही है। अर्थ ईच मैटिन बेल, मैटिन कहते हैं सुबह की बेल को, ठीक है, कि ईच मैटिन बेल द बैरन सेथ, हर सुबह को ये बैरन कहता है, सुबह की बेल के साथ बैरन कहता है, नेल्स अस बैक टू अ वर्ड ऑफ डेथ, कि ये जो बेल है ये हमें मौत की याद दिलाती है। दीज वर्ड्स सर लियोलाइन फर्स्ट सेथ, और ये वर्ड्स सर लियोलाइन ने पहली दफ़ा तब कहे थे, व्हेन ही रोज एंड फाउंड हिज लेडी डेड, जब वो उठा और उसको पता चला कि उसकी जो वाइफ है, जो लेडी थी क्रिस्टबेल की मदर, उसकी डेथ हो चुकी है। दीज वर्ड्स सर लियोलाइन विल से, और ये वर्ड्स सर लियोलाइन कहता रहेगा, मैनी अ मॉर्न टू हिज डाइंग डे, मॉर्न कहा गया मॉर्निंग को, ठीक है, हर उस सुबह तक जब तक कि वो खुद भी मर नहीं जाता। एंड हेंस द कस्टम एंड लॉ बिगिन, और इसीलिए ये कस्टम, ये ट्रेडिशन शुरू हो गया, ये रस्म शुरू हो गई, दैट स्टिल एट डॉन द सैक्रिस्तान हु ड्यूली पुल्स द हैवी बेल, कि हर सुबह जो सैक्रिस्तान है, जो सेक्सटन है, वो बेल बजाता है, ठीक है,
दो दफ़ा डूली पुल्स, दो दफ़ा बेल बजाता है, 5 and 40 बीट्स मस्ट टेल बिटवीन ईच स्ट्रोक, और इन दो बैलों के दरमियान में 45 दफ़ा आपको कोई तस्बीह पढ़नी है, ठीक है, कोई बीट्स जो हैं वो तस्बीह के मतलब कोई दुआ करनी है 45 बार, ठीक है, वो पढ़नी है। ए वार्निंग नेल, और ये जो दुआ है, ये जो बेल है, ये एक वार्निंग है, मतलब डेथ की वार्निंग है। विच नॉट अ सोल कैन चूज बट हियर, जो हर एक को सुननी ही है। फ्रॉम ब्रैथा हेड टू विंडरमेयर, ब्रैथा हेड से लेकर विंडरमेयर तक हर एक को ये बेल सुननी ही है, और उसमें ये उस बेल के दौरान 45 दफ़ा ये तस्बीह करनी है। सेथ ब्रेसी द ब्रैड सो लेट इट नेल, ब्रेसी जो है वो एक पोइट सिंगर है, वो कहती है सो लेट इट नेल के होने दो, मतलब ये बेल जो है वो ऐसे ही बजने दो। एंड लेट द ड्राउजी सेक्रिस्टान स्टिल काउंट एज स्लोली एज ही कैन, और जो सेक्स्टन है, जो सेक्रिस्टान, उसे सेक्स्टन कहा गया, ठीक है, जो सेक्स्टन है उसको ये बेल बजाने दो और उसको ये तस्बीह पढ़ने दो जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, ठीक है। देयर इज़ नो लैक ऑफ सच आई वीन एज विल एज वेल फिल अप द स्पेस बिटवीन, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वाकई में सच्चे दिल से इस दौरान ये तस्बीह पढ़ते होंगे, दुआ करते होंगे, ठीक है, मतलब ये रस्म अदा करते होंगे सच्चे दिल से, मतलब लोगों का यकीन है इस चीज़ पे। इन लैंगडेल पाइक एंड विच स्लेयर एंड डंजियन हिल, लैंगडेल पाइक में जो एक माउंटेन का नाम है, एंड विच स्लेयर एंड डंजियन हिल सो फाउली रेंट विद रोप्स ऑफ रॉक एंड बेल्स ऑफ एयर, उन्होंने मतलब पकड़ रखा है रोप्स ऑफ रॉक, रॉक की रोप से, ठीक है, मतलब रस्सियों से, एंड बेल्स ऑफ एयर और हवा की घंटियों से। थ्री सिनफुल सेक्सटन्स कोस्ट आर पेंट, उन जो थ्री सिनफुल सेक्सटन्स थे ना, ठीक है, जिन्होंने गुनाह किए हुए थे, उनके घोस्ट को पेंट किया गया, मतलब उन्हें पनिशमेंट दी गई है इन तीन जगहों पे, एक को लैंगडेल पाइक में, एक को विचलेयर में और एक को डंजियन घिल में, ये तीनों जगह हैं, यहाँ पे उनको सजा दी गई है कि उनको पत्थरों की रस्सियों से बांधा गया और हवा की घंटियों से, कि वो मतलब उनकी मूवमेंट का पता चल सके, ठीक है। हु ऑल गिव बैक वन आफ्टर द अदर, जो हमेशा देते हैं एक के बाद दूसरा, द डेथ नोट टू देयर लिविंग ब्रदर, वो मतलब डेथ की वार्निंग देते हैं अपने लिविंग ब्रदर को, लिविंग ब्रदर कौन है, सेक्सटन, जो बेल बजाता है। एंड ऑफ्टन टू बाय द नेल ऑफेंडेड जस्ट एज देयर 1, 2, 3 इज एंडेड, कभी कभी जब वो बेल से ऑफेंड होते हैं, मतलब सेक्सटन जो बेल बजाता है सुबह के टाइम दो दफ़ा, उस बेल से जब ये तीन जो सिनफुल सेक्सटन्स थे ये ऑफेंड होते हैं, तो फिर ये उन बेलों के जवाब में खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं, जिस तरह तूफ़ानी किस्म की आवाज़ होती है, हवा की आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ें, बुरी बुरी आवाज़ें, ये घोस्ट निकालते हैं, ठीक है। ये जब नाराज़ हो जाते हैं एक के बाद दूसरा, कि जब एक थक जाता है फिर दूसरा, दूसरा थक जाता है तो तीसरा, The devil mocks the doleful tale with a merry peal from Borodale, और तब जो devil है वो इनका मजाक उड़ाता है, ठीक है, अपने बेपनाह शोर से जो Borodale की तरफ से आता है। The air is still, हवा थम चुकी है, through mist and cloud the merry peal comes ringing loud, धुंध और बादलों से होती हुई डेविल की ये जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दे रही हैं। एंड गेराल्डाइन शेक्स ऑफ हर ड्रेड, और गेराल्डाइन जो है वो अपना जो डर है उसको ज़रा ख़त्म करती है, झटकती है, एंड राइजेज लाइटली फ्रॉम द बेड, और हल्के से बेड से उठती है। पुट्स ऑन हर सिल्कन वेस्टमेंट्स वाइट, और अपने वाइट जो रोब है, अपना वाइट ड्रेस पहनती है। एंड फ्लिक्स हर हेयर इन लवली प्लाइट, और अपने बालों को बड़े अच्छे तरीके से बांधती है, अरेंज करती है। एंड नथिंग डाउटिंग ऑफ हर स्पेल, और उसके स्पेल पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अवेकन्स द लेडी क्रिस्टेबल, क्योंकि वो इससे लेडी क्रिस्टेबल को जगा देती है। स्लीप यू स्वीट लेडी क्रिस्टेबल, कि तुम मतलब अच्छा सोई हो लेडी क्रिस्टेबल। आई ट्रस्ट दैट यू हैव रेस्टेड वेल, मुझे यकीन है कि तुमने आराम कर लिया है सही तरीके से। एंड क्रिस्टेबल अवोक एंड स्पाइड, और क्रिस्टेबल उठती है और देखती है। द सेम हु ले डाउन बाय हर साइड, उसी को जो इसके साइड पे सोई थी, ठीक है, मतलब लेडी गेराल्डाइन को। ओ रादर से द सेम, और या फिर ये कहना चाहिए द सेम होम शी रेज्ड अप बीनीथ द ओल्ड ओक ट्री, के उसी के साथ उसी को देखती है जिससे वो जिसको वो ओक ट्री के नीचे से लेकर आई थी। ने फेयर येट एंड येट मोर फेयर, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है, गेराल्डाइन खूबसूरत नज़र आ रही है, ठीक है। फॉर शी बी लाइक हैथ ड्रंकन डीप ऑफ ऑल द ब्लेसडनेस ऑफ स्लीप, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने वो जो रात को नींद पूरी की है अच्छे तरीके से,
ठीक है, उस नींद की जो वो मतलब एक भरपूर नींद लेने के बाद आप जिस तरह फ्रेश उठते हो, तो वो भी उस भरपूर नींद के बाद फ्रेश उठी है. एंड वाइल शी स्पेक हर लुक्स हर एयर सच जेंटल थैंकफुलनेस डिक्लेयर. और जब वो बोलती है, लेडी गैरल्डाइन जब बोलती है हर लुक्स हर एयर, कि मतलब उसकी सिर्फ लुक्स, उसका चेहरा ही नहीं, उसका पूरा जो पॉस्चर, उसके जेस्चर्स हैं, वो बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है मेरी, मैंने उसकी मदद की है. That so it seemed her girded waist grew tight beneath her heaving breast. और ऐसे लगता है कि उसकी वो जो thankfulness है, वो उसके दिल इतने उसका दिल thankfulness से इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि वो जो वो हीव कर रही है, मतलब वो जो सांस लेती है, तो मुझे पुरानी मूवीज़ नहीं थी अंजुमन और साइमा के डांस पाकिस्तानी पंजाबी मूवी, वैसे सांस लेती थी ना, तो मुझे ये पढ़ते हुए ना उसकी याद आ गई कि ये जब वो सांस लेती तो ऐसे लगता है उसके जो कपड़े हैं वो उसको टाइट हो गए हैं. ठीक है, श्योर आई हैव सेंट सेड क्रिस्टबल नॉर हैवन बी प्रेज्ड इफ ऑल बी वेल. क्रिस्टबल अब सोच रही है कि श्योर आई हैव सिंड, कि मैंने तो एक गुनाह कर दिया है, मतलब गुनाह इसने क्या किया, गुनाह इसने, वो कहती है गुनाह मुझसे हुआ है कि मैंने इस बंदी के बारे में गलत सोचा, कि ये भी गलत हो सकती है कि मुझसे एक गुनाह हो गया है, और अब मुझे बस यही उम्मीद है कि अभी अगर कुछ नहीं बिगड़ा तो अभी जो है वो दुआ कर लूँ और माफ़ी मांग लूँ. हैवन बी प्रेज्ड इफ ऑल बी वेल, कि अगर अभी सब कुछ ठीक है तो मैं दुआ मांग लूँ. एंड इन लो फॉल्टरिंग टोन्स येट स्वीट, और वो थोड़ी शर्मिंदगी लेकिन मीठे से लहजे में कहती है, फॉल्टरिंग मतलब शर्मिंदा लहजे में, डिड शी द लॉफ्टी लेडी ग्रीट. और फिर वो बड़े अच्छे तरीके से उससे गैरल्डाइन से मिलती है, विद सच परप्लेक्सिटी ऑफ माइंड एज ड्रीम्स टू लाइवली लीव बिहाइंड. और उसके दिमाग में जिस तरह परप्लेक्सिटी का मतलब है कि उसके दिमाग में कोई कश्मकश चल रही है, ठीक है, उस कश्मकश में एज ड्रीम्स टू लाइवली बिहाइंड, कि जिस तरह कोई ख्वाब है उसने जागते में कोई ख्वाब देखे हैं, उसके दिमाग में ये कश्मकश चल रही है, लेकिन वो अपने उन सबको छुटला कर गैरल्डाइन से अच्छे से मिल रही है. सो क्विकली शी रोज एंड क्विकली अरेड हर मेडन लिम्ब्स, और इसलिए वो जल्दी से उठती है और जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है. अरेड हर मेडन लिम्ब्स का मतलब है कि वो अपने आप को ड्रेस कर लेती है. एंड हैविंग प्रेड दैट ही हु ऑन द क्रॉस डिड ग्रॉन, एंड हैविंग प्रेड, और दुआ करती है दैट ही का ये कैपिटल है एच, तो इससे पता चल रहा है कि ये गॉड की या क्राइस्ट की बात हो रही है, ठीक है. हु ऑन द क्रॉस डिड ग्रोन, जो कि क्रॉस पे मतलब क्रॉस पे ग्रोन किया, मतलब तकलीफ से जिन्होंने मौन किया था, दैट वाज जीसस क्राइस्ट, ठीक है, उनको क्रूसीफाई किया गया था, कि वो जिसको क्रूसीफाई किया गया था माइट वॉश अवे हर सिंस अननोन, कि वो मेरे जो अनजाने में मैंने गुनाह कर दिए हैं उनको वॉश कर देगा, वॉश अवे कर देगा, उनको धो देगा, उनको माफ़ कर देगा. शी फोर्थ विद लेट फियर गैरल्डाइन, और वो गैरल्डाइन को लेकर चल पड़ती है टू मीट हर सायर सर लियोलाइन, अपने सर अपने फादर सर लियोलाइन से मिलाने के लिए. द लवली मेड एंड द लेडी टॉल, लवली मेड कहा गया है क्रिस्टबल को एंड लेडी टॉल इज गैरल्डाइन, ठीक है. आर पेसिंग बोथ इन टू द हॉल, दोनों हॉल में जा रही हैं, ठीक है. एंड पेसिंग ऑन थ्रू पेज एंड ग्रूम, पेज एंड ग्रूम कहा गया वहाँ पर जो सर्वेंट्स वगैरह थे, उन ग्रूम उन सर्वेंट्स वगैरह से गुजरते हुए एंटर द बैरन्स प्रेजेंस रूम, वो बैरन के लिविंग रूम में पहुँच जाती हैं, प्रेजेंस रूम जहाँ पर वो मतलब लोगों से मिलता वलता होगा, ठीक है, लिविंग रूम वगैरह, उसके बैरन के लिविंग रूम में एंटर हो जाती हैं. द बैरन रोज एंड वाइल ही प्रेस्ड हर जेंटल डॉटर टू हिज ब्रेस्ट, बैरन उठता है और बड़ा ही वालेहाना किस्म का इस्तकबाल करता है, अपनी बेटी को गले से लगा लेता है. विथ चीयरफुल वंडर इन हिज आइज, और अपनी आंखों में खुशी और हैरानी लेकर द लेडी गैरल्डाइन स्पाइज, वो लेडी गैरल्डाइन को देखता है एंड गिव सच वेलकम टू द सेम एज माइट बी सीम सो ब्राइट अ डेम, और लेडी गैरल्डाइन को बड़ा ही अप्रोप्रिएट किस्म का वेलकम देता है, सो ब्राइट अ डेम, कि इतनी खूबसूरत और इतनी जो है वो लॉफ्टी किस्म की लेडी को जिस तरह से वेलकम करना चाहिए था वो बिल्कुल उसके हिसाब से उसको वेलकम करता है. बट वेन ही हर्ड द लेडीज टेल, लेकिन जब वो उसकी कहानी सुनता है, एंड वेन शी टोल्ड हर फादर्स नेम, और जब वो उसे अपने बाप का नाम सुनाती है, वाई वैक्स्ड सर लियोलाइन सो पेल, तो सर लियोलाइन की रंगत पीली क्यों पड़ जाती है, मर्मरिंग ओवर द नेम अगेन, और वो नाम वो दोबारा दोहराता है लॉर्ड रोलैंड डी वॉक्स ऑफ ट्रेयरमेन, कि वो ये नाम जो है वो लॉर्ड रोलैंड का ये दोबारा दोहराता है, ऐसा क्यों है. अलास दे हैड बीन फ्रेंड्स इन यूथ, अफसोस कि वो दोनों जवानी में दोस्त थे, ठीक है, अब वो दोस्त थे. बट विस्परिंग टंग्स कैन पॉइजन ट्रूथ, लेकिन जो रूमर फैलाने वाले लोग होते हैं, अफवाहें फैलाने वाले लोग होते हैं, वो सच को जहरीला कर देते हैं, पॉइजन कर देते हैं, ठीक है, मतलब लोगों में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और जो है वो इश्यूज वो बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, ठीक है.
एक दूसरे से बदजन कर देती हैं. एंड कॉन्स्टेंसी लाइन्स इन रोम्स अबव. और जो कॉन्स्टेंसी है, जो सिंसियर फ्रेंडशिप और सिंसियर रिलेशनशिप्स हैं, वो सिर्फ रोम्स अबव, वो सिर्फ हेवन में ही हो सकते हैं, अर्थ पे नहीं है. एंड लाइफ इज़ थॉर्नी, और ज़िंदगी मुश्किल है, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज. एंड यूथ इज़ वेन, और यूथ जो है वो फ्यूटाइल है, ठीक है, मतलब बेकार एक, मतलब ऐसी चीज़ है. एंड टू बी वर्थ विद वन वी लव डथ वर्क लाइक मैडनेस इन द ब्रेन. और जब हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो हमें जो है वो डिच कर देता है, डथ वर्क लाइक मैडनेस इन द ब्रेन, तो ये चीज़ आपको पागल कर देती है. एंड दस इट चेंज, और फिर सब कुछ बदल जाता था. एज आई डिवाइन विद रोलैंड एंड सर लियोलाइन, जैसा कि मुझे लगता है कि रोलैंड और सर लियोलाइन के साथ भी यही हुआ. ईच स्पेक वर्ड्स ऑफ हाई डिस्टेन एंड इंसल्ट टू हिज हार्ट्स बेस्ट ब्रदर. हर एक ने बहुत ज़्यादा नफ़रत भरे अल्फाज बोले. डिस्टेन कहते हैं नफ़रत को, कॉन्टेम्प्ट को. एंड इंसल्ट, और इंसल्ट की अपने बेस्ट फ्रेंड की, हार्ट्स बेस्ट ब्रदर की, बेस्ट फ्रेंड की. दे पार्टेड, अलहदा हो गए. नेवर टू मीट अगेन, ताकि दोबारा कभी ना मिल सकें. बट नेवर ईदर फाउंड इन अदर, लेकिन दोनों को ही कभी ना मिल सका. टू फ्री द हॉलो हार्ट फ्रॉम पेनिंग, उनको कोई ऐसा नहीं मिल सका. टू फाउंड अनदर, कोई दूसरा नहीं मिला जिससे वो अपने दिल की बात कर सकें. हॉलो हार्ट फ्रॉम पेनिंग, जिससे वो अपने वो दुखते दिल का कोई दुख बयान कर सकें. दे स्टूड अलूफ, दोनों अकेले खड़े रहे. अलूफ कहेंगे अकेले को, तन्हा को. दी स्कार्स रिमेनिंग, और उनके जख्म ताज़ा रहे, ठीक है. लाइक क्लिफ्स विच हैड बीन रेंट अजंडर. अजंडर कहते हैं अलहदा हो जाने को, टूट जाने को. एक ऐसी चट्टान जो कि किसी तूफान से टूट जाती है, वो बिल्कुल उस चट्टान के, एक चट्टान के दो हिस्से बन गए, अलग अलग चट्टानें बन गई. अ ड्रेरी सी नाउ फ्लोज बिटवीन, और एक तूफानी समंदर जो है वो उनके दरमियान बहता है, ठीक है. बट नीदर हीट नॉर फ्रॉस्ट नॉर थंडर शेल होली डू अवे आई वीन. लेकिन कोई हीट, कोई तपिश, कोई सर्दी, ठीक है, कोई तूफ़ान जो है वो शेल होली डू अवे, वो नहीं कर सका ख़त्म, वो मुकम्मल तौर पर नहीं कर सका. आई वीन द मार्क्स ऑफ दैट विच वंस हैथ बीन. वो फ्रेंडशिप, वो असल फ्रेंडशिप जो उनके दरमियान थी, कोई भी समंदर, तूफ़ान, तपिश या सर्दी, मतलब कोई भी किसी भी किस्म की चीज़, उस चीज़ को, उस असल फ्रेंडशिप को जो उसमें एहसास था, उसको ख़त्म नहीं कर सकी. सर लियोलाइन अ मोमेंट स्पेस स्टूड गेजिंग ऑन द डैम्सल्स फेस. सर लियोलाइन कुछ लम्हों के लिए वो लेडी गैरल्डाइन जो है उसके, डैम्सल कहेंगे दोशीज़ा को, ठीक है, उसके चेहरे को थोड़ी देर के लिए देखता रहता है. गेजिंग कहते हैं देखने को, ठीक है, स्टेयर करने को. एंड द यूथफुल लॉर्ड ऑफ ट्रेयर मेन कम केम बैक अपॉन हिज हार्ट अगेन. और उसको देखकर, उसको वो जो जवानी के दिन में लॉर्ड ऑफ ट्रेयरमैन जैसा दिखता था, उसको उसकी याद आ जाती है. ओ देन द बैरन फॉरगेट हिज एज, और तब बैरन अपनी एज भूल जाता है. हिज नोबल हार्ट स्वेल्ड हाई विद रेज, और उसका जो नोबल हार्ट है, ठीक है, काइंड हार्ट है, वो गुस्से से भर जाता है. ही इज फोर बाय द वोंड्स इन जीसस साइड, और वो जीसस के जख्मों की कसम खाता है. ही वुड प्रोक्लेम इट फार एंड वाइड, कि वो हर सूरत बदला लेगा, वो हर सूरत जो है वो पहुँच के रहेगा. विद ट्रम्प एंड सोलमैन हेराल्ड, हेरल्ड्री कहते हैं किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने को, किसी चीज़ के, किसी ओकेजन को, किसी इवेंट को, कि वो फिर उस चीज़ को जो है वो बदला लेगा, और उसको और वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करेगा. या वो लोगों को, मतलब वो ढोल बजा के नहीं करते होते काम, कि मैं अगर किसी को सजा दूंगा तो मैं सबके सामने करूंगा और सबको बताऊंगा कि ये, कि बाकियों को इबरत का निशान बना देना, ठीक है. वार्निंग टू अदर्स, ठीक है, पनिशमेंट फॉर वन एंड वार्निंग टू अदर्स, वो कुछ इस तरह का सीन है. दैट दे हु दस हैड रॉन्ग द डेम, अब ये किसके लिए ये कह रहा है, कि जिन्होंने गलत किया इस लेडी के साथ, वर बेस एज स्पॉटेड इन फेमी, वो बहुत ही ज़्यादा मीन और गिरे हुए लोग थे. एंड इफ दे डेयर डिनाई द सेम, और अगर अब वो इसे मानने से इनकार करेंगे, माई हेराल्ड शेल अपॉइंट अ वीक, मेरा जो प्रोक्लेमर है, ठीक है, वो अपॉइंट करेगा एक वीक. एंड लेट द रिक्रिएंट ट्रेटर सीक माई टोर्नी कोट, ठीक है, कि मेरा जो प्रोक्लेमर है वो एक वीक में इनको कोर्ट में अपीयर होने का नोटिस देगा, ठीक है, और फिर इनको अपीयर होना होगा. एंड देयर एंड देन आई मे डिसलॉज देयर रेप्टाइल सोल्स फ्रॉम द बॉडीज एंड फॉर्म्स ऑफ मैन, और वहाँ पे, मतलब एक डुअल के दौरान, ठीक है, डुअल कहते हैं जो दो लोगों की फ़ाइट होती है, जिनमें से जो जीतता है वो सही होता है, और जो हार जाता है, मतलब वो हार जाता है, उसको फिर जो भी पनिशमेंट मिलती है या जो भी सीन होता है, या उसे मार दिया जाता है, ठीक है, जिसमें एक डुअल के दौरान आई मे डिसलॉज देयर रेप्टाइल सोल्स, में उनकी वो जो रूहें हैं, गंदी जो सोल्स हैं, वो उनकी बॉडी से निकाल दूंगा, जो कि इंसानों जैसी दिखती हैं, ठीक है. ही स्पोक
स्पोक हिज आइज इन लाइटनिंग रोड्स, और जब ये बोल रहा था उसकी आंखें गुस्से से आग बगोला हो रही थी। फॉर द लेडी वॉज रूथलेसली सीज्ड एंड ही कैंट, क्योंकि लेडी को जो गेराल्ड आई ने उसको बहुत बुरे तरीके से सीज किया गया था, बंदी बनाया गया था। एंड ही कैंट इन द ब्यूटिफुल लेडी द चाइल्ड ऑफ हिज फ्रेंड, और उसने रिकग्नाइज कर लिया है, उसने रियलाइज किया कि ये इस लेडी में मेरी चाइल्ड की, मेरी जो क्रिस्टबल है बेटी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो इतना गुस्से में आ गया। तो ये आपका जो है वो इतना हो गया है, पार्ट टू स्टार्ट हो गया, इंशाल्लाह बाकी का नेक्स्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ रही है। थैंक यू सो मच।